शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं जैनवन कुकिंग विद साद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों की सौगात, गुलाबी चाय, कश्मीरी चाय या पिंक टी, आप इसको कुछ भी कहें, तो ये सर्दियों में बहुत मज़ा देती है। सर्दियों के मौसम में इसे पीने में बहुत मज़ा आता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये पिंक टी जो होती है, गुलाबी चाय, इसकी जो ये पत्ती जो है, इसमें कोई भी डंडी नहीं होती, सिर्फ ये पत्तों से बनी हुई होती है, ये देखें। और ये जो है मैंने 2 टेबलस्पून ली है, 4 इलायची के दाने हैं, 1 चुटकी नमक है, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, 1 ये बादियान का फूल है और 3 दाने लौंग के हैं। कुछ सीक्रेट्स जो हमारी चाय को प्रोफेशनल बनाएंगे, टेस्टी बनाएंगे, वो साथ साथ चलेंगे। और ये रेड कलर है, फूड कलर, जो हम अपने अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें सिर्फ 1 ड्रॉप डालेंगे। रहीम, सबसे पहले हम अपनी पतीली में 2 कप पानी लेंगे। ये 2 कप पानी है, हमने इससे ज़्यादा नहीं लिया। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो 2 कप कहवे के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 कप ही चाय बनेगी। आप सारी पूरी रेसिपी देखें, आपको तमाम सीक्रेट्स पता लगते रहेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम इसमें अपनी ये पत्ती डाल देंगे और अपनी ये चारों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। नमक इसमें ज़रूर डलता है, 1 चुटकी डलता है, ये इसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से खोलाना है, इतना खोलाना है कि इसका पानी थोड़ा सा जल के कम हो जाए। तो इसको ये जब उबलता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कौन सी ऐसी सीक्रेट चीज़ है जो इसमें अब जाएंगी, तो जिससे ये बहुत अच्छा रहमान रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये जो है पानी मेरा बॉयल हो गया है, इसमें उबाल आ गया। इस पॉइंट पर इसका सीक्रेट, ये 1 चुटकी जो है ये खाने वाला सोडा है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारी ये पत्ती का रंग है बहुत अच्छी तरह खुल के बाहर आएगा। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसको आप 8 दिन तक फ्रिज के अंदर कावे को रख के महफूज कर सकते हैं। एक मरतबा बना के रख लें, जब आपका दिल चाहे दूध डाल के रेडी करें और इस्तेमाल करें। अभी हम इसको मज़ीद पकने देंगे, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। रहमान रहीम, तो देखें व्यूअर्स, जो है कावा हमारा तकरीबन आधा रह गया और ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको जो है इसमें से निकाल लेती हूँ और मैं इसको आपको छान के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें, ये इसके अंदर मैं तमाम जो है कावा निकाल लूँगी। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इसमें 4 कप दूध लिया है और इसमें मैं ये चीनी ऐड करूँगी। आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैं तकरीबन इसमें 3 टेबलस्पून डालूंगी। तो देखें व्यूअर्स, हम इस दूध को जो है बॉयल आने तक पकाएंगे और जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो हम अपना कहवा इसमें डालेंगे। देखें व्यूअर्स, इसमें बॉयल आ गया है। अब ये मेरी टेबलस्पून पिस्ते डालना बहुत ज़रूरी है, ये इसका एक ख़ास जूस है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो देखें, इसमें चीनी भी मिक्स हो गई है और ये पिस्ते भी। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ये कहवा डालेंगे। देखें माशाल्लाह, इसको किसी रंग की ज़रूरत नहीं है, इसका कितना प्यारा टेस्ट आया है, सॉरी कलर आया है। ये हम इसमें तमाम डाल देंगे ताकि हमारा कलर बहुत अच्छे से आए। देखें कितना प्यारा इसका पिंक कलर आया, हमें किसी फूड कलर की ज़रूरत नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि जो हमारी पत्ती है वो बहुत ज़बरदस्त थी। आप पत्ती हमेशा देख के लें, जिसमें डंडियाँ हों वो पत्ती नहीं होती, वो कहवा होता है। जिसमें डंडियाँ होती हैं वो इसकी कश्मीरी चाय की पत्ती नहीं होती, वो कहवा होता है। और जिसमें सिर्फ पत्ते होते हैं यानी लीव्स होते हैं, उन्हें ड्राई किया हुआ होता है, वो होते हैं ये गुलाबी चाय। देखें कितने प्यारा इसका कलर आया है और यकीनन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैं इसको आपको 2 मिनट और पकाऊँगी, फिर मैं उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूवर्स, हमारे चाय जो है बनके रेडी है। इसकी ख़ास कि हम इसको पिस्ते से ज़रूर सजाएं। तो ये देखें, हमने इसको गार्निश किया है और ये इसकी एक ख़ासियत है इस चाय की कि हम इसको इस तरीके से सजाएं। और इस अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो किसी नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ आपसे। तो अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।